Hello, how are you, dear students? I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, strength and peace to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 30 June 2020. So dear students, I heartily request all of you, all the students of class 12th of Rajasthan State, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to prescribe, to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, in the previous class, I taught you about asking and giving information. I mean a letter for asking and giving information. Yes, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको अलग-अलग वीडियो में इस ऑफिशियल लेटर के कई पार्टों के बारे में बता चुका हूं. आई मीन जैसे मैंने सबसे पहले आपको जॉब वैकेंसी लेटर के बारे में समझाया, उसके बाद मैंने आप लोगों को अ लेटर टू द एडिटर के बारे में समझाया, उसके बाद मैंने आप लोगों को कंप्लेंट लेटर के बारे में समझाया. आफ्टर दैट उसके बाद मैंने आप लोग को अ लेटर फॉर आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको समझाया. तो प्यारे विद्यार्थियों, नाउ अटेंशन. यस सर, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट बिजनेस लेटर. यस, नाउ अंडरस्टैंड, नाउ लिसन टू वंस अगेन. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट बिजनेस लेटर. मैं आपको पहले ही बताया था कि आपके सिलेबस में लेटर तो तीन होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कितने हैं? दो, ऑफिशियल और बिजनेस है. तो ऑफिशियल के भिन्न भिन्न खंडों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बिजनेस लेटर. इन बिजनेस लेटर के कौन कौन से खंड होते हैं और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है. यस, तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैकबोर्ड पे आप सभी लोग ध्यान देना. यहां पे मैंने लिखा आपका अ बिजनेस है. यस, अ ले अटर. यस, इस बिजनेस लेटर का मतलब होता बच्चों व्यावसायिक पत्र है या व्यापारिक पत्र है. क्या आप समझते हो? इस बिजनेस का मतलब होता है व्यवसायिक या व्यापारिक, इस लेटर का मतलब होता है पत्र. तो इस बिजनेस लेटर का मतलब होता है व्यवसायिक पत्र या व्यापारिक पत्र. यस प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके अंतर्गत जो है वह कई खंड आते हैं. जैसे बेटा ब्लैकबोर्ड पे देखना, इस बिजनेस के अंतर्गत वही सेम आपका आएगा अ कम अ प्लेंट है, अर्थात कंप्लेंट लेटर, अर्थात शिकायती पत्र है. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि ऑफिशियल लेटर में भी आप कंप्लेंट का लेटर, शिकायती पत्र पढ़ चुके हो, ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस लेटर में भी आपका कंप्लेंट का मतलब शिकायती पत्र अवश्य आता है. दूसरा बच्चों, इसमें खंड है आपका अ मे अ किंग. यस, अ इन अ क्वाय अ रीज. मेकिंग का मतलब होता है बनाना, इंक्वायरीज का मतलब होता है पूछताछ करना, जांच पड़ताल करना. यस बच्चों, ये आप लोगों को ऑफिशियल में भी मिलता है, हालांकि मैंने इसके बारे में आपको समझाया नहीं, लेकिन जिस प्रकार से कंप्लेन का हल होता है, आस्किंग गिविंग इंफॉर्मेशन का हल होता है, एकदम सेम उसी तरह से यह आपका मेकिंग इंक्वायरीज का भी पत्र सॉल्व किया जाता है. तीसरा बच्चों, जैसे इसमें है आपका
और आस्किंग है, यस है, आस्किंग है, एंड है, गिविंग है, इन है, अफा अमेशन। ध्यान दो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे, आस्किंग का मतलब होता है पूछना लेकिन प्राप्त करना, गिविंग का मतलब होता है देना, इंफॉर्मेशन का मतलब होता सूचना, अर्थात सूचना देने और लेने के लिए लिखा जाने वाला पत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका ऑफिशियल लेटर में भी आता है और यह आपका बिजनेस लेटर के अंतर्गत भी आता है। ये तीन का तीनों बच्चों मैंने आप लोगों को उसमें किसमें ऑफिशियल लेटर में भी समझाया हूं, जैसे कंप्लेन का मतलब शिकायती पत्र कैसे होता है, इंक्वायरीज का मतलब पूछताछ करने के लिए, और आस्किंग एंड है गिविंग इन फॉर्मेशन। चौथा इसमें एक और आता बच्चों आपका यहां पे अ प्ले अ सिंग है, यस है, अ ऑर्डर्स है, एंड है, अ सेन अ डिंग है, अ री अ प्ला इज है। ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों, प्लेसिंग का मतलब होता है बनाना, ऑर्डर का मतलब होता आदेश, अर्थात आदेश को करना, आदेश को बनाना, एंड सेंडिंग का मतलब होता भेजना, रिप्लाइज का मतलब होता उत्तर और जवाब को देना, अर्थात जवाब को भेजना। ये भी पत्र बच्चों ये आपका किसके अंतर्गत आता है, इसी बिजनेस लेटर के अंतर्गत है और आता है। तो अब प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देना, इस बिजनेस लेटर में आपको ये चार पढ़ना है, कंप्लेंट्स लेटर पढ़ना है, मेकिंग इंक्वायरी पढ़ना है, आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन पढ़ना है, और प्लेसिंग है, ऑर्डर एंड है, सेंडिंग है, रिप्लाइज है। ये चार खंड है आपको इस बिजनेस लेटर के अंतर्गत है अब पढ़ना है। ध्यान दो बच्चों, इसमें चाहे आपका कंप्लेन का लेटर होगा, चाहे आपका मेकिंग इंक्वायरीज का होगा, चाहे ये आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन का होगा, चाहे प्लेसिंग है, ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाइज होगा, ये सभी के सभी जो पत्र होंगे बच्चों ये केवल 10 है। 10 का मतलब होता है 10 है, रूल्स का मतलब होता नियम, इस 10 नियमों के तहत है इन सभी को सॉल्व है किया जाएगा। यस बेटा, मैंने आपको इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया है कि वह 10 तरह का नियम कौन कौन सा है, कैसे लिखा जाता है, कहां लिखा जाता है, कितने लाइन छोड़ा जाता है, इन सभी को मैं आपको एक एक करके समझा चुका हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, क्या कहा, चाहे आपका कंप्लेन का लेटर हो, चाहे मेकिंग इंक्वायरीज हो, चाहे आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन हो, चाहे प्लेसिंग ऑर्डर्स है एंड सेंडिंग रिप्लाइज हो, इन सभी को जो हल करने का फार्मूला होता है वह क्या है, इसके कितने नियम है, 10 रूल्स का मतलब 10 नियम होते हैं जो आपका इस प्रकार से है। ब्लैकबोर्ड पे देखना, पहला बच्चों इसमें है आपका अ सेन अ डर्स है, अ ए अ एड्रेस। ब्लैकबोर्ड पे देखो आप लोग, सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। यस बच्चों, सबसे पहले आपको बाई तरफ सबसे ऊपर भेजने वाले का पता और लिखना पड़ता है, कैसे और किस प्रकार से लिखा जाएगा मैं मिस्टर रमाशंकर यादव आपको समझा चुका हूं। दूसरे नंबर पे इसमें आएगा बच्चों आपका डेट है, इस डेट का मतलब होता है दिनांक, कैसे लिखा जाएगा ये भी आपको समझा दिया हूं। तीसरे नंबर पे आता आपका द अ पोस्ट है, एंड है, अ एड्रेस है, आव है, अ री अ सीवर। यस बच्चों, पोस्ट का मतलब होता पद है, इस एंड का मतलब होता और है, एड्रेस का मतलब होता पता, रिसीवर का मतलब होता प्राप्त करना,
अर्थात पाने वाले का पद और पता कैसे लिखा जाएगा, ये मैं बच्चों आपको आज समझाऊंगा। पहले भी बता चुका हूं कि कैसे आता है, थोड़ा सा इसमें कुछ अलग होता है, कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। चौथे नंबर पे इसमें भी आपका आता है सब्जेक्ट है। बताओ इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता, विषय कैसे आएगा, मैं आपको बता चुका हूं। पांचवें नंबर पे आता बच्चों आपका से लिव है अटेशन। इस सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। यस, मैंने बताया था बच्चों कि जब बिजनेस लेटर होगा उसमें सामान को भेजने आदान प्रदान करने की बात होगी तो यहां पे आपको संबोधन के रूप में क्या लिखना होगा, डियर है, अस्तर्स का उपयोग है किया जाएगा, याद रखना आप बताया हूं। सिक्स नंबर पे आएगा बच्चों इसमें आपका बॉडी। इस बॉडी का मतलब होता है मुख्य भाग, कहां आएगा कैसे आएगा मैं आपको समझाया हूं। सातवें नंबर पे आता बच्चों आपका कर्टेसी। इस कर्टेसी का मतलब होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार के रूप में क्या आएगा यह भी मैं आपको बता चुका हूं। आठवें नंबर पे आता बच्चों आपका कम अपली अमेन अटरी अक्लोज। इस कंप्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है उपयुक्त समापन। मैं बताऊं आपको कि अगर बिजनेस होगा तो योर सिंसियरली और आप इसीलिए होगा तो योर्स है फेथफुली, लेकिन आप योर्स फेथफुली का भी उपयोग कर सकते हैं। यस, नौवें नंबर पे आता बच्चों आपका असिग अनेचर है। इस सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। अगर प्रश्न में नाम दिया होगा तो आप उसे लिखोगे, अगर नहीं होगा तब प्यारे विद्यार्थियों आपको किसी न किसी का नाम लिखना पड़ेगा। दसवें नंबर पे आता आपका द अपोस्ट आव असिग अने अचर, अर्थात यानी हस्ताक्षर करने वाले का पद है। अगर यह प्रश्न में दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो प्यारे विद्यार्थियों आपको अपने तरीके से लिखना पड़ेगा। ये देख लो प्यारे बच्चों ये टोटल कितने खंड हुए, 10 है। इन 10 के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। यस, तो इस बिजनेस लेटर का चाहे कंप्लेन आए, चाहे मेकिंग इंक्वायरी जाए, चाहे आस्किंग गिव इंफॉर्मेशन आए, चाहे प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज आए, इसी 10 नियम के तहत इसको सॉल्व किया जाएगा। और इन सभी को मैं एक एक करके सब कुछ है समझा चुका हूं कि कौन कितने लाइन में आता है, कैसे लिखा जाता है, कितने लाइन को छोड़ा जाता है। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों आप केवल कंसेंस होकर के अर्थात एकाग्र होकर के आप बेहतर तरीके से इन सारे फार्मूलों को समझते हुए केवल प्रश्न को देख करके पढ़ करके समझ करके और उसको बेहतर से बेहतर तरीके से हल करना आप घर बैठ करके आज सीखते रहो। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको बताया कि मैं कौन सा लेटर समझा रहा हूं, बिजनेस लेटर। यस, तो इस बिजनेस में आपको कौन कौन सा पढ़ना है, कंप्लेन लेटर पढ़ना है, यस मेकिंग इंक्वायरीज पढ़ना है और आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन पढ़ना है और प्लेसिंग है ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज पढ़ना है। इन सभी को टोटल है कितने रूल्स हल किया जाता है, 10 नियम। वह 10 नियम कौन कौन से बेटा, ये आपको एक एक करके मैं पहले ही लिख चुका हूं और इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप केवल ध्यान पूर्वक इनको समझो और इसको सॉल्व करना सीखें।
मैं इन सभी में बेटा बिजनेस लेटर में आपको कंप्लेन, मेकिंग इंक्वायरीज, आस्किंग गिव इंफॉर्मेशन और ये सभी मैं आपको अलग अलग करके नहीं पढ़ाऊंगा। देखो अब आप जान गए हो जो भी प्रश्न दे दिया इस नियमों के तहत इस कंप्लेन को हल करना होगा। यस, इन्हीं नियमों के तहत इस इंक्वायरीज को हल करना होगा, इसी नियमों के तहत इस आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक एक करके सभी आपको नहीं हल करना सिखाऊंगा क्योंकि पिछले ऑफिशियल में मैं आपको एक एक करके समझा चुका हूं। तो इसमें जो आपका अलग है कौन सा, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाई, इस पे बोर्ड में प्रश्न कैसे आता है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आज मैं आपको इसके बारे में आज समझाऊंगा। यस, तो क्या मैं विश्वास करूं प्यारे विद्यार्थियों ये सारी मैटर डिटेल जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बोर्ड में प्रश्न कैसे आएगा और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यस, आइए ब्लैक बोर्ड पे देखिए। यस विद्यार्थियों, देखो प्रश्न बोर्ड में कैसे आता है, जैसे यहाँ पे दे दिया। ये जो प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूँ ये 2014 के बोर्ड में आ चुका है। देखो कैसे आता है, जैसे यहाँ पे प्रश्न आ गया कि यू आर द अ प्रिंसी अपल आव योर स्कूल। अब इसके आगे स्कूल का नाम आप लोग लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया गवर्नमेंट। यस, अ सीनियर अ सेकेंडरी इस अ कॉल कामा, यहां पे दे दिया अ इस अ टेशन अ रोड है कामा अ बार है अ मेर फुल स्टॉप। अब इसके आगे दिया बच्चों फिर यू अ वांट टू अ परचेज यस अ फर्नीचर फॉर योर स्कूल फुल स्टॉप। अब यहां पर दे दिया राइट अ लेटर टू यम ऑब्लिक यस है यम यस शर्मा एंड ब्रदर्स है कामा 66 है कुशल मार्ग है कामा जयपुर। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर। ये देखो बच्चों आपको 2014 के बोर्ड में यह प्रश्न आया था बिजनेस लेटर के अंतर्गत। यस, अब इस प्रश्न को बेटा पढ़ो पहले प्रारंभ से लेकर के अंत तक। आपका काम है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप इस प्रश्न को प्रारंभ से लेकर के अंत तक पहले इसको पढ़ो, इसको समझो। इसमें से भी बेटा केवल तीन चीज खोजना है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं।
पहला यहां पे हो गया सेंडर्स है, अ एड्रेस, यस बताओ क्या हो गया सेंडर्स एड्रेस। दूसरा इसमें हो गया आपका अ सब है, अजेक्ट है, और तीसरा इसमें हो गया द, अ पोस्ट है, एंड है, अ एड्रेस है, आव है, अ री, अ सीवर। यही तीन चीज बच्चों इसके अंदर से भी आपको निकालना है। देखो लिखा है सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता भेजने वाले का पता कैसे मिलता है, मैंने आपको समझाया है। दूसरा सब्जेक्ट का मतलब विषय कैसे मिलता है, मैंने आपको समझाया है। तीसरा पोस्ट का मतलब होता पद, यस है, एंड है। एड्रेस का मतलब होता पता, रिसीवर का मतलब पाने वाला, यानी पाने वाले का पद और पता। इन्हीं तीनों चीजों को प्रश्न से निकालना, उसको खोजना हम सबसे पहले करते हैं। तो चलो ये आपके सामने प्रश्न दे दिया, अब इस प्रश्न को प्रारंभ से लेकर के अंत तक सबसे पहले इसको पढ़ो और समझो कि कहां पे कौन कौन सा चीज है। यस बेटा तैयार हो आप, आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे। देखो ये करा यू, यू का मतलब होता आप, मैं नहीं आप। यू आर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता प्रधानाचार्य, यानी आप प्रधानाचार्य हो। आव का मतलब होता काके की योर है स्कूल, योर स्कूल का मतलब अपने स्कूल, अर्थात मेरे कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपको अपने स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया गया है। यह कह रहा है कि आप जो है प्रिंसिपल हो कहां के, अपने स्कूल के। मान लो कि आप सभी लोग अपने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य हो। आप कौन सा स्कूल है, मैं बच्चों यहां पे बोर्ड पे दिया गया है गवर्नमेंट है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये विद्यालय का नाम दे दिया। कहां, स्टेशन रोड है, यस है, बाड़मेर। मेरी बात समझे, ये जो आपका गवर्नमेंट है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, स्टेशन रोड है, बाड़मेर है, उसी स्कूल के आप सभी लोग क्या हो, प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य हो, यस। यानी कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न को लिखेगा कौन, आप, यस मेरी बात समझे, प्रश्न को लिखेगा कौन, आप हो क्या स्कूल के प्रिंसिपल, कौन से स्कूल के, अपने स्कूल के, और आपके स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, स्टेशन रोड है, बाड़मेर, यस। तो ये जो एड्रेस आया बच्चों, यस ये किसका एड्रेस है, ये एड्रेस आपका सेंडर्स है, एड्रेस है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता, मेरी बात को समझे बच्चों। पत्र लिखोगे आप तो जो आपका पता होगा वही सेंडर एड्रेस होगा, तो बताओ सेंडर एड्रेस क्या होगा, ये यहां पे अब देखो सेंडर एड्रेस अक्सर क्या होता था, आपका वार्ड नंबर, हाउस नंबर, गली नंबर, नगर कॉलोनी गली का नाम, एरिया का नाम, या रोड का नाम, जिले का नाम। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, क्या करना है, पहले लाइन में आपको लिखना होगा गवर्नमेंट है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यस। दूसरी लाइन में आपको लिखना होगा स्टेशन रोड है, यस। और तीसरी लाइन में लिखना होगा आपको बाड़मेर। बोलो है कोई दिक्कत, यस। आगे आ जाओ बच्चों, यू, यू का मतलब होता आप, यानी आपको। यू वांट है, वांट का मतलब होता चाहते हो, अर्थात आप चाहते हो। परचेज का मतलब होता खरीदना, यस परचेज का मतलब खरीदना, यानी आप खरीदना चाहते हो। क्या खरीदना चाहते हो बच्चों, फर्नीचर, यानी आप। फा का मतलब होता के लिए, योर स्कूल का मतलब अपने विद्यालय के लिए, यानी आप अपने स्कूल के अपने विद्यालय के लिए फर्नीचर है खरीदना चाहते हो, अर्थात आप अपने स्कूल के लिए सामग्री को खरीदना चाहते हो, यस। अब करा बच्चों राइट का मतलब होता लिखो,
अ का मतलब होता है एक, लेटर का मतलब पत्र है, यानी एक पत्र लिखो। देखो यहां पे क्या आ गया बच्चों, टू आ गया। तो जब किसी पत्र से पहले अगर टू आता है तो वह पता किसका होता बेटा, क्या आपको मालूम है? रिसीवर। रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाले का। कितने लाइन में आएगा? तीन लाइन में। कितने नंबर पे आएगा? तीन नंबर पे। चलो खोजते हैं। देखो सबसे पहले लाइन में हो जाएगा एम एस है, शर्मा एंड ब्रदर्स, एक लाइन। यस, उसमें पद आता था। देखो यहां पे क्या आया, एम एस है, शर्मा एंड ब्रदर्स है, एक लाइन हो गया। दूसरा छाछट है, कुशल मार्ग है, ये हो गया दूसरे लाइन में। तीसरे लाइन में देखो यहां पे क्या आ गया, जयपुर है। क्या मेरी बात समझे कि ये पानी वाले का पद और पता तीन नंबर पे आता है। कितने लाइन में आता है? तीन लाइन में। प्यारे विद्यार्थियों इधर देखो, ये देखो आपकी पहली लाइन हो गई, ये यहां पे आपकी दूसरी लाइन हो गई, और ये यहां पे आपकी तीसरी लाइन हो गई। यस, तो देखो इसमें सेंडर एड्रेस आपको मिल चुका है, पानी वाले का पद और पता मिल चुका है, बचा क्या है? सब्जेक्ट। यस, आगे पढ़ते हैं। प्लेसिंग का मतलब होता है बनाना है, इन का मतलब होता है एक, ऑर्डर का मतलब आदेश, अर्थात एक आदेश को आपको बनाना है। फा का मतलब होता है के लिए, स्कूल का मतलब विद्यालय के फर्नीचर, यानी विद्यालय के फर्नीचर के लिए आपको एक आदेश है बनाना है। तो मत परेशान हो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपको किसके लिए पत्र लिखना है, विद्यालय के फर्नीचर के लिए एक आदेश बनाना है। तो यही टॉपिक जो है वह आपकी बताओ क्या है, सब्जेक्ट का मतलब विषय है। यस, तो सब्जेक्ट में केवल लिखोगे एंड ऑर्डर है फॉर स्कूल फर्नीचर। यस, तो यहां पे प्यारे विद्यार्थियों तीनों खंड आपको एक एक करके प्राप्त हो चुका है इस प्रश्न से। तो मैं तो ये आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप अच्छी तरीके से इस उत्तर को सॉल्व कर सकते हो, अर्थात इस प्रश्न को हल कर सकते हो। देखो यहां पे यह आपको भेजने वाले का एड्रेस मिल गया। यस, यहां पे आपको पाने वाले का एड्रेस मिल गया, और यहां पे आपको सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब विषय मिल गया। अब कौन सा चीज कैसे लिखा जाता है, ये सब कुछ प्यारे विद्यार्थियों आप मुझसे बेहतर है जान चुके हो, क्योंकि मैं आपको कई लेटर एक एक करके सॉल्व करा चुका हूं। यस, तो चलो आओ हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं किसको किस प्रकार से इस 10 फार्मूले के तहत सॉल्व किया जाएगा। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो, याद रखना बच्चों, यह आपका सेंडर एड्रेस है, यह आपका सब्जेक्ट है, और यह आपका पाने वाले का पद और पदा के अंतर्गत इसको सेट करना है। यस, लो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो, बताओ सबसे पहले आपको क्या लिखना है। सबसे पहले नंबर पे सेंडर एड्रेस कहां? बाई तरफ, सबसे ऊपर। तो क्या आपके पास प्रश्न में था? यस था। क्या था? यहां पे सबसे ऊपर लिखना आपको, जैसे अ गवर्नमेंट। यस सर,
a sea near. Yes, sir. Secondary. Yes, sir. A is a cold. Yes. दूसरे लाइन में यहां पे हो जाएगा आपका a is a station. A road. तीसरे लाइन में यहां पे हो जाएगा आपका bar में. Yes, मेरे विद्यार्थियों. Yes. अब बताओ इसके नीचे कितने लाइन छोड़ना है? एक. जानते हो ना कितने लाइन छोड़ना है? एक. अब क्या आएगा? डेट. आज की डेट लगा देते हैं. जैसे यहां पे हो गया 25th है. यस. अ जून 2020. यस. अब बताओ फिर कितने लाइन छोड़ना है? एक. क्या आएगा? पाने वाले का पद और पता प्रश्न में दिया था. बताइए क्या था? यहां पे था बच्चों यम. यस है. यस. फिर क्या था? शर्मा. शर्मा. एंड अब्रा. अदर्स है. दूसरे लाइन में क्या था? 66 है. यस. कामा. अकू. असल. अ मार्ग. तीसरे लाइन में क्या था? अजय. अपूर. ये हो गया बच्चों तीसरा खंड. अब बताओ फिर कितने लाइन छोड़ना है? एक. क्या आएगा? सब्जेक्ट. फिर इसी के नीचे आपको यहां पे देना है अ सब है. जेड डैश दिया था प्रश्न में. क्या? एन है. ऑर्डर है. अ फा. यस है. अ स्कूल है. अ फा. अ नी. अचर. इसको क्या करना बच्चों? हाईलाइट करना है. जानते हो ना? इसको इसी पेन से डबल कर देना. यह आपका क्या हो जाएगा? हाईलाइट. ऐसे हाईलाइट कर लेना. अब फिर बताओ आप लोग कितने लाइन छोड़ना है? एक लाइन. पांचवा खंड सैल्यूटेशन आएगा. तो क्या लिखोगे यहां पे? अब यहां पे लिखोगे डियर है. यस है. सर है. यस. अब इसी के नीचे लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है. क्या आएगा? बॉडी आएगा. अब बेटा क्या क्या बॉडी में आएगा ध्यान से आप पढ़ो. देखो जैसे यहां पे मैंने लिखा आई. अ साल है. अ बी. यस है. अ ग्रेट है. अ फुल है. इफ है. यू. कुड है. काइंडली. सेंड मी. द फॉलोइंग है. आइटम्स है. बाई. ट्रांसपोर्ट. यस. ब्लैकबोर्ड पर देखना बच्चों मैंने क्या लिखा. आई साल बी ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ या आभारी. मैं आभारी रहूंगा अर्थात मैं कृतज्ञ रहूंगा. इफ का मतलब होता यदि. यू कुड है. काइंडली का मतलब होता है कृपया. सेंड का मतलब होता भेज देना. मी का मतलब मुझे. अगर आप मुझे भेज सको. क्या? द फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित है. क्या? आइटम्स का मतलब सामग्री. बाई. ट्रांसपोर्ट है. अगर आप मुझे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या ट्रांसपोर्ट के द्वारा विभिन्न सामग्री को आप भेज सको तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा. यस. अब इसी के आगे बच्चों आप लोग डैश कर देना. अब आप क्या क्या मंगाना चाहते हो उसका ऑर्डर क्या क्या है उसको चार्ट बनाना होगा. जैसे अब हमने यहां पे चार्ट बना लिया. यस बच्चों ये चार्ट बना दिया आपका.
यस बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखो, अब यहाँ पे एक बना दिया कि कौन कौन सी वस्तु को मंगाने का आप ऑर्डर बना रहे हो। जैसे पहले में मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका सीरियल, यस नंबर, यस। फिर दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका आइटम्स, आइटम्स। तीसरे में मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वान, टी टी, यस। अब ये दे दिया बच्चों, हमने पहला यहाँ पे आपको खंड दे दिया जिसमें मैंने इन तीन चीजों का नाम लिख दिया। यस, पहला सीरियल नंबर, दूसरा यहां पे हो गया आइटम्स, अर्थात इसमें आप लोग भर सकते हो जैसे फर्नीचर, कोष्टक बंद हो गया। फिर यहां पे तीसरे नंबर पे बताओ मैंने आपको क्या दे दिया, क्वांटिटी अर्थात मात्रा। ये हो गया बच्चों आपका तीन, मैंने यहां पे बिंदु दे दिया। यस, तो ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग पहले। अब हमको क्या क्या मंगाना बच्चों, पहले नंबर पे जैसे यहां पे एक नंबर लिख दिया। अब एक नंबर में हमको कौन से आइटम को मंगाना है उसका नाम, तो कोई भी लिख लो। जैसे यहां पे लिख लिया आल, अमी, अरा। अलमीरा का मतलब समझते हो बच्चों, अलमारी। अब बड़ी साइज लेना है कि छोटी साइज, यहां पे लिख सकते हो जैसे इस्माल, साइज, कोष्टक बंद। अब कितनी मंगाना है, 10 मंगाना है, 5 मंगाना है, 4 मंगाना है, उसको लिख दो। जैसे यहां पे हमने 10 लिख दिया, 10, यस। अब इसको बॉक्स के अंदर बच्चों क्लोज कर देना, यस। ये हो गया आपका पहला। यस, पहला हो गया। अब आ जाएंगे दूसरा सीरियल नंबर, यस। अब इसमें आपको कौन सी सामग्री मंगानी है, जैसे टेबल और चेयर मंगाना है, तो यहां पे हो गया आपका टेबल्स, एंड चेयर्स, यस। अब बच्चों लकड़ी का मंगाना है कि लोहे का मंगाना है, वो यहां पे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आयरन, आयरन का मतलब लोहे का। कितने जोड़ी मंगाना है वो आप यहां पे लिखोगे। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 50, यस। आप पेयर्स है, पेयर्स का मतलब जोड़ा, यस। इसको भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर इसको क्लोज कर लेते हैं। यस, अब बच्चों प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर पे आएगा आपका तीसरे नंबर, तो यहां पे देते हैं सीरियल नंबर थर्ड, यस। अब आपको और क्या मंगाना है, जैसे बेंच मंगाना है, तो अब आपने यहां पे लिख दिया बेन, अचेज, यस। दो लोगों के बैठने वाली, या तीन लोगों की बैठने वाली, या चार लोगों की, या पांच लोगों की, तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया फोर है, सी अटर सर, अर्थात चार लोगों को बैठने के लिए। अब कितनी मंगाना है वह आप लिखोगे, जैसे यहां पे लिख दिया बच्चों आप 40, 40, यस। अगर और आपको कोई चीज मंगाना है तो यहां पे सीरियल नंबर चार हो जाएगा, उस वस्तु का नाम हो जाएगा, और कितना मंगाओगे यहां पे लिखना होगा। इस तरीके से आप जो कुछ भी, जैसे बोर्ड मंगाना है तो यहां पर हो जाएगा सीरियल नंबर 4 है। अब यहां पे ब्लैक बोर्ड है, यस। अब उसके बाद कितने मंगाना है, 5-6 जो भी है वो यहां पे लिखोगे, यस। जैसे बच्चों आपको और कोई चीज मंगानी है, जैसे मान लो सपोज दैट यहां पे फैन मंगाना है, तो आप यहां पे 5 नंबर डाल दिए, फिर यहां पे फैंस हो जाएगा। आप कौन से कंपनी का, बजाज का, क्यूसा का, वह नाम लिखोगे, कितना मंगाना है उनकी संख्या लिखोगे। इस तरीके से मान लो मैंने ये तीन उदाहरण दे दिया।
अब इसके नीचे बच्चों हम लोग इसी के नीचे लाइन छोड़ेंगे नहीं, इसी के नीचे लिखेंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों मैं यहां पे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? इसी बॉडी में। अब हम यहां पे लिख रहे हैं बच्चों अ प्लीज, यस सी दैट दीज आइटम्स आर डिस पैच्ड वेल इन टाइम टू रीच अस विद इन जैसे 10 days। यस, क्या लिखा बच्चों? प्लीज का मतलब कृपया, सी का मतलब होता देखना, डेट का मतलब होता कि, दीज आइटम्स का मतलब ये सामग्री, आर है डिस्पैच का मतलब भेज दिया जाना, वेल का मतलब होता अच्छी तरीके से, इन टाइम का मतलब समय पर। देखिए कृपया देखना कि इन सभी सामग्री को ठीक समय पर अच्छी तरीके से भेज दिया गया हो। टू रीच का मतलब पहुंच जाए, अस का मतलब हमारे पास, विद इन का मतलब के अंदर है, 10 days का मतलब 10 दिन, जिससे कि यह 10 दिनों के अंदर है हमारे पास है पहुंच जाए। आगे बच्चों योर पेमेंट विल बी मेड थ्रू मल्टी सिटी चेक आवर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेबल एट बारमेड ऑन रिसिप्ट। यस, फिर से ध्यान देना बच्चों यहां पे, योर पेमेंट है यानी आपका भुगतान, विल बी मेड थ्रू का मतलब यानी आपका भुगतान है यानी के माध्यम से किया जाएगा। मल्टीसिटी का मतलब होता बच्चों इनी गैर अर्थात बहुनगरी, सही ठीक है, चेक है इनी बहुनगरी चेक के माध्यम से अपूर्ण किया जाएगा। आओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक का नाम दे दिया बच्चों। पेबल का मतलब दे होगा एट बाड़मेर, जो बाड़मेर में भी दे होगा। आने रिसिप्ट का मतलब रसीद है, जो रसीद पर है बाड़मेर में भी अध्यय होगा। यस, इतना लिखने के बाद बच्चों अब आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी के नीचे तुरंत आएगा कर्टेसी कंप्लीमेंट्री क्लोज सिग्नेचर और द पोस्ट ऑफ सिग्नेचर, इसी के नीचे लिखोगे। लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों। जैसे यहां पर हो गया आपका थैंग अ किंग है यू, यस ये हो गया बच्चों आपका, क्या जानते हो, कर्टेसी। अब इसके नीचे आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आएगा कंप्लीमेंट्री क्लोज, तो यहां पे योर सिंसियरली भी लिख सकते हो और योर से फेथफुली भी लिखा जा सकता है। जैसे यहां पे हो गया योर से आप फेद है आप होली, यस। अब इसके नीचे मेरे प्यारे बच्चों आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके नीचे आएगा सिग्नेचर, क्या प्रश्न में सिग्नेचर दिया था, नहीं, तो क्या करोगे, आपको किसी न किसी का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पे लिख दिया अरा अहुल असा अरण, यस। अब इसके नीचे आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता है, नहीं। इसके नीचे क्या आएगा, द पोस्ट ऑफ सिग्नेचर,
पद दिया है, आप क्या हो बच्चों? द प्रिंसिपल। तो यहां पर हो जाएगा द अ प्रिंसिपल, आगे लिख सकते हो आव द स्कूल। ये बच्चों आपका हो गया ये लेटर। अब देख लो इसमें ये यहां पे रोल नंबर फर्स्ट हो गया आपका सेंडर एड्रेस, फिर यहां पे ये आपका रोल नंबर सेकंड हो गया डेट, ये यहां पे आपका रोल नंबर है, थर्ड हो गया क्या पाने वाले का पद और पता, ये यहां पे आपका रूल नंबर फोर हो गया कौन सा सब्जेक्ट, और है ये यहां पे आपका रूल नंबर फाइव हो गया कौन सा सैल्यूटेशन, और ये सब पूरा मिला करके आपका क्या हो गया रूल नंबर सिक्स है। बताओ बच्चों क्या बॉडी। फिर उसके बाद यहां पे ये हो गया आपका रूल नंबर सेवन कौन सा कॉटेसी, ये यहां पे हो गया आपका रूल नंबर एट है कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये यहां पे हो गया रूल नंबर नाइन कौन सा सिग्नेचर, और ये यहां पे हो गया रूल नंबर टेन है कौन सा द पोस्ट ऑफ सिग्नेचर। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों फिर से ध्यान देना, देखो यहां पे बॉडी में मैंने क्या लिखा आई साल है बी ग्रेटफुल का मतलब आभारी, मैं आभारी रहूंगा, इफ का मतलब होता यदि, यू कुड है यस, काइंडली का मतलब कृपया, सेंड का मतलब भेजना, मी का मतलब मुझे, अगर आप मुझे कृपया भेज सको, द फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित है, आइटम्स का मतलब सामग्री, बाय ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के द्वारा, इन ट्रांसपोर्ट के द्वारा, अगर आप इन निम्नलिखित है सामग्री को आप भेज सको तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। यस, अब बच्चों आप लोग चार्ट बना करके उन सामग्री का नाम डाल देना, जैसे देखो यहां पे मैंने क्या डाला सीरियल नंबर, यहां पे आइटम्स हो गया, और यहां पे क्वांटिटी मात्रा अर्थात उनकी संख्या, मात्रा या संख्या, मात्रा समझो यहां पे, फिर यहां पे एक नंबर हो गया यहां पे उस आइटम का नाम, जैसे अलमीरा अलमारी स्मॉल साइज छोटा आकार की कितनी चाहिए 10। दूसरे नंबर पे आ गया टेबल्स है एंड है चेयर, टेबल और कुर्सियां किसकी चाहिए आयरन लोहे की कितनी चाहिए 50 पेयर्स 50 जोड़ी। तीसरा बेंचेज है बेंच चाहिए कितने लोगों को बैठने वाली 4 सीटर 4 सीट वाली 4 लोगों की बैठने की कितनी 40। ऐसे 3-4 आइटम्स और सीरियल नंबर ये क्वांटिटी हो गई। अब उसके आगे क्या लिखा प्लीज का मतलब कृपया, सी का मतलब देखना कृपया देखना, दैट की दीज आइटम्स का मतलब ये सामग्री, डिस्पैच का मतलब भेजना, वेल का मतलब अच्छी तरीके से, इन टाइम का मतलब समय पर, कृपया देखना इन सामग्री को समय पर अच्छी तरीके से भेज दिया जाए, टू रीच का मतलब पहुंच जाए, अस का मतलब हमारे पास, विद इन का मतलब के अंदर, 10 डेज का मतलब 10 दिन, जिससे हमारे पास 10 दिन के अंदर है पहुंच जाए। फिर उसके बाद योर पेमेंट है आपका पेमेंट है विल बी मेड थ्रू, थ्रू का मतलब के माध्यम से बनवाना, यानी आपका भुगतान, यानी मल्टी सिटी चेक है यानी बहु नगरी चेक के माध्यम से करवाया जाएगा, कौन से बैंक का अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो पेबल का मतलब दे होगा कहां एट बाड़मेर, बाड़मेर में ऑन रिसिप्ट है एक रसीद पर जो बाड़मेर में भी
अध्ययन होगा। अब इसके नीचे तुरंत बच्चों आएगा आपका कर्टेसी, लिखा हूं यहां पे थैंकिंग यू, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली, लिखा हूं यहां पे, फिर आपका नाम हो जाएगा यस, फिर उसके बाद आपका पद हो जाएगा। ये टोटल कितने खंड हुए? 10 यस। अब बच्चों कोई भी सामग्री अगर आपको मंगाने के लिए ऑर्डर करना होगा तो वह इसी तरह से होगा, ध्यान रखना ये सब चेंज होता रहेगा। ये सेम लिख सकते हो, आई साल भी ग्रेटफुल है इफ यू कुड काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग आइटम्स बाय ट्रांसपोर्ट यस। अब यहां पे ये आप दूसरा दूसरा बदल करके आप लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप इसी तरीके से इसको सेट करके यहां पे लिख सकते हो। लेकिन कब? जब किसी चीज का ऑर्डर देना हो, उन सामान को आपको मंगाना हो, तो जिस तरीके से प्रश्न हो उसी प्रश्न के तरीके से इसी फार्मूले के तहत आपको इस लेटर को सॉल्व करना है, जिससे प्यारे विद्यार्थियों आपको बेहतर से बेहतर यानी पूरे के पूरे अंक बोर्ड में प्राप्त कर सको। ये प्रश्न बच्चों 2014 के बोर्ड में 7 नंबर का आ चुका है यस। तो ध्यान देना, ये यहां पे हो गया आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया बच्चों यस। एक लाइन छोड़ करके ये आपका डेट हो गया, फिर एक लाइन छोड़ करके ये आपका पाने वाले का पद और पता हो गया, फिर एक लाइन छोड़ करके आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर एक लाइन छोड़ करके ये आपका संबोधन हो गया, फिर लाइन छोड़ोगे नहीं क्या आ जाएगा आपका बॉडी, ये सब कुछ आपके बॉडी के अंतर्गत आ गया। फिर लाइन छोड़ोगे नहीं उसके नीचे कर्टेसी, फिर लाइन छोड़ोगे नहीं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर लाइन छोड़ोगे नहीं आपका सिग्नेचर, फिर लाइन छोड़ोगे नहीं आएगा द पोस्ट ऑफ सिग्नेचर। ये जो कुछ भी लिखा हो बेटा ये सब कुछ इसी के नीचे आएगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैंने कहा लिखा सबसे ऊपर यहां पे लिखा हूं, लेकिन आप जब हल करोगे तो ये सारा मैटर कहां आएगा? इसी के नीचे। समझ रहे हो मेरी बात में? ये जो कुछ भी उधर लिखा हो ये सब कुछ इसी के नीचे 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 आता चला जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आप लोग अन्य विषय पर प्रश्न होगा उस प्रश्न को अपने पासबुक से लेकर के किताब में, आपके बिजनेस के सवाल नहीं है इसलिए जो साइड बुक होती है उससे लेकर के आप प्रश्न इन इस प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज पे और भी प्रश्न सॉल्व कर लेना यस। अब अगले दिन से मैं आप लोग को मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ, इसको बेहतर तरीके से बेटा घर बैठ करके समझना सीखो, क्योंकि अभी ये विश्वास ही नहीं किसी को कि विद्यालय 1 जुलाई से खुल सकता है कि नहीं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर, इट नेवर कम्स बैक यस। समय एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए आप समय को देखते हुए समय के वैल्यू को समझते हुए आप घर बैठ करके अच्छे तरीके से अध्ययन करो यस। ये आपको मैंने बिजनेस का सेंड यानी प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज का एक प्रश्न हल करके आपको समझाया, अगले दिन मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना।